राहिब कहन, परिवारों से पूछिए आखिर क्या सिखलाएं। भारत है पीछे अगर कारण वे बतलाएं। मनुष्य के निर्माण होने की प्रक्रिया उसके परिवार से शुरू होती है, उसके अभिभावकों से शुरू होती है, उसके निकटस्थ परिजनों स्वजनों से होती है। भारत की परिवार प्रणाली किस प्रकार के नागरिक विकसित करती है यह भारत का भविष्य निर्धारित करेगा। हमारे परिवार सुरक्षित हैं, हमारे परिवार एक शिशु को बहुत सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसे विश्रांति देते हैं, विलासिता देते हैं, उसे भविष्य के लिए कमजोर कर देते हैं। एक आदर्श परिवार वह होगा जहाँ शिशु को प्रारंभ से ही अनुशासन, नीति निर्देश, कौशल, परिश्रम, श्रम, एकांतवास और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदार, अधिक समझदार, अधिक आत्मनिर्भर बनाए। इस विश्व में विकसित और विकासशील देशों का मूलभूत अंतर उनके परिवारों का रहन सहन, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिन समाजों में शिशुओं को सही दिशा में प्रवृत्त किया जाता है, बचपन से ही राष्ट्रीय सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत किया जाता है, बचपन से ही श्रम मेधा की ओर प्रवृत्त किया जाता है, जो आडंबरों से, झूठ से, पाखंड से, विलासिता से दूर होते हैं, जो अनुशासित होते हैं, जो नियमों से आबद्ध होते हैं, वही परिवार और वही राष्ट्र उन्नत होते हैं।